डियर स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 13। प्रीवियस क्लास हम लोग एंगल्स के बारे में जाने थे, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल एट इट्स मेजरमेंट, मतलब उस एंगल का मैग्नीट्यूड्स और उसके मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। तो एंगल्स एज रोटेशन ऑफ रे, रोटेशन ऑफ रे पर एंगल्स देखिए क्या होता है। सपोज ए रे आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन ओ ए, उसका इनिशियल पोजिशन क्या है ओ ए, मान लीजिए कि ये एंगल हो गया, ठीक है, इस एंगल का इनिशियल पोजिशन हो गया आपका ओ ए, और फाइनल पोजिशन क्या हो जाएगा ओ बी हो जाएगा। इनिशियल पोजिशन ओ ए हो गया, और फाइनल पोजिशन हो गया क्या ओ बी हो गया, इसका फाइनल पोजिशन ओ बी हो गया। इस तरह से एंगल के मैग्नीट्यूड में हम देखेंगे कि अगर ए ओ बी यहाँ फॉर्मेट हो रहा है, उसका सेंटर ओ हो गया, सेंटर क्या हो गया ओ, यानी वर्टेक्स ओ हो गया, और इसका इनिशियल पोजिशन हो गया ओ ए, और फाइनल पोजिशन क्या हो गया ओ बी, यानी ओ ए और ओ बी जो हुआ उसका आर्म्स हुआ। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल्स, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन थ्रो विच वन ऑफ द आर्म्स मस्ट बी रोटेटेड, मतलब वन आर्म मस्ट बी रोटेटेड द वर्टेक्स टू ब्रिंग इट टू द पोजिशन, मतलब वर्टेक्स से इसके अनदर पोजिशन तक आने में जो रोटेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल। अब देखिए कंपेयरिंग टू एंगल्स, दो एंगल को कंपेयर करेंगे, ठीक है, देखिए जैसे एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, यहाँ एंगल वन हो गया, इसको एंगल वन लिख दिए, उसके बाद ये एंगल एक बन गया, इसको एंगल टू लिख देंगे, इसको कंपेयर करना है, एंगल ये टू हो गया, इसको कंपेयरिंग करना है। तो कंपेयरिंग एंगल में सबसे पहले वी से दैट एंगल वन, यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल वन इज क्या है, एंगल टू से ग्रेटर है, एंगल टू से क्या है ग्रेटर है। मैग्नीट्यूड में of angle 1 is greater than that of angle 2, also in the other words we say that angle 2 is smaller than angle 1, yahan hum likh sakte hain angle 2 is smaller than angle 1, is tarah se hum log iska comparison kar sakte hain। uske baad aapko one right angle equal to होता है 90 डिग्री, one right angle का मेजर कितना होता है 90 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री equal to 60 minutes, इसको हम लिख सकते हैं मिनट को 60 और 1 डॉट देकर उसको 60 मिनट इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये 60 मिनट्स हो गया। उसके बाद 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, ये मिनट का सिंबल हो गया सेकेंड, 60 सेकेंड्स, यानी इसको हम सेकेंड का सिंबल दो यहाँ देकर इसको सेकेंड का सिंबल लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम कुछ एंगल्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ सबसे पहले राइट एंगल देखिए, राइट एंगल सीधा सिंपल सा बन जाएगा, यानी ये 90 डिग्री का मेजर होता है, ये राइट एंगल हो गया, क्या हो गया राइट एंगल हो गया। अब इसके बाद कुछ एंगल्स पे हम लिखाएंगे आप लोगों को, उसको लिख लीजिएगा। देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल, सबसे पहले एक्यूट एंगल, एन एंगल व्हिच मेजर मेजर इज मोर देन 0 डिग्री, इसका मेजर जो माप हो वह 0 से ज्यादा हो लेकिन लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम हो उसी को हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल। यहाँ फिगर दे दिया गया है एक्यूट एंगल का, यानी 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से
तो हम वो एक्यूट एंगल और राइट एंगल एन एंगल हुज मेजर मेजर इज 90 डिग्री इसका मेजर कितना हो 90 डिग्री इज पर राइट एंगल जैसे राइट एंगल का यहाँ फिगर दे दिया गया है उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल एन एंगल हुज मेजर मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो वह क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो देखिए स्ट्रेट एंगल एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री कर स्ट्रेट एंगल जिसका मेजर कितना हो 180 डिग्री हो उसको स्ट्रेट एंगल यानी सीधा जो लाइन जाता है वो स्ट्रेट एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री जिसका मेजर 180 डिग्री से ज्यादा और लेस देन 360 डिग्री 360 डिग्री से कम हो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं कंप्लीट एंगल एन एंगल हुज मेजर इस 360 डिग्री इज कॉल कंप्लीट एंगल आपका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया वॉच जो पूरा घूम जाए उसी को हम क्या कहते हैं कंप्लीट एंगल उसके बाद जीरो एंगल का एंगल हुज मेजर इज जीरो डिग्री इज कॉल जी ए जीरो एंगल अब हम लोग एक्सरसाइज कराएंगे एक्सरसाइज 13B पर आएंगे 13A हम लोग पढ़ लिए हैं और 13B पर आएंगे इसमें डिफाइन याद कर लीजिएगा आप लोग एक्सरसाइज नंबर 13B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कह रहा है फर्स्ट नंबर स्टेट द टाइप ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग एंगल्स मतलब फिगर दिया गया है उसको टाइप ऑफ एंगल में स्टेट कर देना है फर्स्ट फर्स्ट में फिगर दिया गया है यानी ये एंगल का फिगर है यहाँ ए हो गया ओ हो गया बी हो गया यानी ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है तो कौन सा एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा कौन सा एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल अब दूसरे में क्लासिफाई द एंगल्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर गिवन बिलो क्लासिफाई करना है सेकंड नंबर में एंगल्स का मेजर दिया गया है तो 30 डिग्री कौन सा एंगल होगा लिख देंगे उसके सामने जितना मेजर होगा उसके सामने 20 एंगल हो जाएगा उसके बाद थ्री नंबर में लिखना है हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन वन राइट एंगल में 90 डिग्री फोर राइट एंगल में कितना हो जाएगा थ्री टू बाई थ्री राइट एंगल में थ्री का हम बता दे रहे हैं आप लोगों फाइव नंबर टू बाई थ्री राइट एंगल राइट एंगल टू बाई थ्री इंटू वन राइट एंगल में 90 होता है तो टू बाई थ्री इंटू 90 डिग्री लिखेंगे थ्री से 30 बार में कट जाएगा यानी 60 डिग्री आंसर हो जाएगा इस तरह से ये बन जाएगा उसके बाद हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन द एंगल्स बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड घड़ी में जो आवर हैंड रहता है और मिनट हैंड उसमें कितना डिग्री होगा जब तीन बजेगा तो आवर हैंड जो होगा वह थ्री पर रहेगा और मिनट हैंड है सो कहाँ रहेगा आपको 12 पर मान लीजिए ये वॉच हो गया घड़ी हो गया यहाँ ये 12 हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल 12 पॉइंट हुआ टोटल ये कंप्लीट एंगल हुआ यहाँ आपका थ्री पर है आवर्स है 12 पर है मिनट है टोटल 12 पर कंप्लीट एंगल कितना डिग्री आता है 360 डिग्री का होता है 12 से इसको डिवाइड करेंगे 40 डिग्री आया अब तीन पॉइंट पर आया है तो सीधा कितना का हो जाएगा 30 यानी 90 डिग्री हो जाएगा कितना का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का राइट एंगल बन जाएगा अब 13B के बाद आपको एंगल बनाना है
परपेंडिकुलर लाइन सबसे पहले जानिए, प्रोटेक्टर से एंगल बनाना है तो परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करते हैं हम लोग इसी को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। या परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जहाँ ये दोनों कटता है लाइन वहां कोई भी एंगल 90 डिग्री का, चारों एंगल 90 डिग्री का बन गया। उसके बाद इसमें फिगर बनाना है, मिरर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर दिया हुआ है उसका मेजर करके लिख देना एंगल का। उसके बाद एंगल बना लेना है, तो ये एक्सरसाइज 13 चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, कंप्लीट चैप्टर 13 चैप्टर 13 और बना दीजिएगा। अब कंप्लीट योर होमवर्क इन केयर कॉपी, योर होमवर्क विल बी चेक्ड आफ्टर ओपनिंग योर स्कूल।